राजस्थान के एक व्यापारी को रायपुर बुलाकर असली सोने के बदले नकली सोना थमाकर 9 लाख की ठगी करने वाले जलाराम इमिटेशन के संचालक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गंगानगर राजस्थान निवासी अशोक सोनी पेशे से सुनार है और सोने का व्यापार करते हैं। बताया जाता है कि अशोक किसी काम से रायपुर आए थे, जिससे उनके दोस्त विनय अरोड़ा के माध्यम से अशोक की मुलाकात आरोपी कृष्णा ठक्कर से हुई। इस दौरान कृष्णा ने बताया कि उसके जीजा हरीश ठक्कर की कस्टम विभाग में अच्छी पकड़ है। जो विदेश से सोना आता है वो कम दाम में कस्टम विभाग के अधिकारियों से मिल जाता है, जिससे आप हमारे साथ व्यवसाय करेंगे तो लाभ होगा। जिसके बाद आरोपी कृष्णा ठक्कर ने हरीश ठक्कर को फोन कर अशोक से बात करवाई। हरीश ठक्कर जलाराम इमिटेशन ज्वेलरी का संचालक है। आरोपी ने अशोक को झांसे में लेकर शुद्ध सोना देने की बात कहते हुए 9 लाख रुपए ले लिए और बदले में 4 पीतल के बिस्किट दे दिए। जब अशोक को पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने अपना पैसा वापस मांगा, जिस पर हरीश ने उसे धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हरीश ठक्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके साले कृष्णा ठक्कर की भी पतासाजी की जा रही है। प्रार्थी अशोक सोनी, उन्होंने थाना में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि बैजनाथ पारा जलाराम इमिटेशन ज्वेलरी शॉप का संचालक और उसका साला कृष्णा ठक्कर, ये लोग यह बोल करके कि हमारा कस्टम विभाग से सेटिंग है और हम मार्केट रेट से कम दामों पर शुद्ध सोना को हम देंगे, और पहली बार 4 लाख रुपए और दूसरी बार 9 लाख रुपए, कुल मिला के 9 लाख रुपए में सोने के बिस्कुट का झांसा दे करके 9 लाख रुपए ठगी कर लिए, और सोने के बदले में पीतल के 4 बिस्किट आरोपी प्रार्थी को दिए हैं। और प्रार्थी चूँकि सोनार जाति का है तो वो सोने और चांदी पीतल में फर्क करना जानता है, इस कारण से उन्होंने थाना में रिपोर्ट किया। इसी में अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी हरीश ठक्कर को गिरफ्तार किया गया है और उसके साले कृष्णा ठक्कर की पतासाजी जारी है। For more information, log on to www.clips.in.